नमस्कार, मैं डॉक्टर पीके वर्मा सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स और शिक्षक बंधुओं का इस क्लास में, इस सेशन में स्वागत करता हूं। हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्कशन कर रहे थे। लगभग सभी नॉर्मल बातें, डीएनए की बनावट, डीएनए का निर्माण, आरएनए की बनावट, आरएनए का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण इत्यादि हमने पढ़ा। अब इस सेशन में हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अंतिम टॉपिक जीन म्यूटेशन पढ़ेंगे। हिंदी में म्यूटेशंस को ही उत्परिवर्तन यानी परिवर्तनों की उत्पत्ति कहा जाता है। ह्यूगो डिफ्रिज नाम के वैज्ञानिक ने 1904 में अपने गार्डन में लगे हुए इवनिंग प्रिमरोज के पेटल्स में और उसके लीफ की लंबाई में अचानक एक परिवर्तन नोटिस किया। उन्हें लगा कि यह प्लांट ओएनोथेरा लेमार्कियाना, जिनके पत्ते लंबे हो गए हैं, अब एक नए स्पेसीज ओएनोथेरा लॉन्गिफोलिया में बदल गया। उन्होंने अचानक होने वाले इस परिवर्तन को म्यूटेशन नाम दिया और उन्होंने एक म्यूटेशन थ्योरी भी दिया, एक सिद्धांत भी दिया, जिसके अनुसार जीनों में होने वाले परिवर्तन से लक्षणों में परिवर्तन होता है और लक्षणों में होने वाले परिवर्तन से नए स्पेसीज की उत्पत्ति हो सकती है। इसे ही म्यूटेशन थ्योरी कहा जाता है। प्रारंभ में चाहे जिस किसी कारण से जेनेटिक कैरेक्टर बदले, उन सभी कारणों को एक साथ लेकर म्यूटेशन नाम दे दिया गया। इसलिए क्रोमोसोम की संरचना में होने वाले परिवर्तन, जिसे हम क्रोमोसोमल एबरेशंस कहते हैं, दोष कहते हैं, और क्रोमोसोम की संख्या में होने वाले परिवर्तन, जिसे हम प्लॉइडी कहते हैं, और कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन के कारण, वर्ण संकरण के कारण होने वाले परिवर्तनों को भी म्यूटेशन नाम दे दिया गया। इन सभी को एक साथ मिलाकर क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहा गया। लेकिन अब क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को, यानी कि क्रोमोसोमल एबरेशन, प्लॉइडी और हाइब्रिडाइजेशन को वास्तविक म्यूटेशन नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई नया जीन, कोई नया एलील उत्पन्न नहीं होता है। जबकि जीन में होने वाला परिवर्तन, यानी कि जीन के रूप में डीएनए में होने वाले परिवर्तन को जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहा गया। इसे ही अब वास्तविक म्यूटेशन माना जाता है। जीन म्यूटेशन इज रिगार्डेड एज ट्रू म्यूटेशन। क्यों? तो इससे एक नए एलील की उत्पत्ति होती है, एक नया लक्षण बनता है। सामान्यतः अगर किसी परिवार में सारे के सारे लोग काले बाल के थे, एक बच्चा भूरे बाल का उत्पन्न हो जाता है, आप इसे म्यूटेशन कह सकते हैं। अचानक एक बच्चा पूरा सफेद बाल वाला उत्पन्न होता है, आप इसे म्यूटेशन कह सकते हैं। लेकिन यह मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में होने वाला परिवर्तन है। अंदर प्रोटीन की बनावट में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन से अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बदलने लगे या कोई नया लक्षण अचानक उत्पन्न हो जाए,
तो वैसे म्यूटेशंस का महत्व है, वह विकास में मददगार होता है, इसलिए जीन म्यूटेशन को ही असली में वास्तव में म्यूटेशन माना जाता है। तो अब इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे, तो एनी चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए ऑफ ए जीन इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। अब ये कब हो सकता है, कहाँ हो सकता है, तो म्यूटेशन किसी भी समय में और किसी भी टिश्यू में हो सकता है। अगर यह म्यूटेशन किसी सोमैटिक टिश्यू में हुआ, यानी जर्मिनल इपिथिलियम को छोड़कर सारे के सारे टिश्यू सोमैटिक टिश्यू हैं बॉडी में, अगर बॉडी के जर्म सेल बनाने वाले अंगों को छोड़ दें, प्लांट में एंडोसियम गाइनोसियम को छोड़ दें, एनिमल्स में टेस्टिस ओवरी को छोड़ दें, तो अन्य कहीं ये म्यूटेशन अगर होता है तो यह आगे पीढ़ी में उनकी संतानों में नहीं जाता है, इसलिए सोमैटिक म्यूटेशन नॉन हेरिटेबल हुआ करता है। लेकिन यही म्यूटेशन, यही उत्परिवर्तन अगर जर्मिनल टिश्यूज में हो जाता है, टेस्टिस के स्पर्म बनाने वाली कोशिकाओं में हो जाता है, ओवरी के ओवम बनाने वाले कोशिकाओं में हो जाता है, तो गैमिट में परिवर्तन होने के कारण उनकी संतानों में भी ये जाएगा और इस तरह यह हेरिटेबल हो जाएगा, अनुवांशिक हो जाएगा। और ऐसे ही अनुवांशिक यानी हेरिटेबल म्यूटेशन के कारण आगे नए कैरेक्टर्स उनके संतानों में, उनके बच्चों में, उन बच्चों के बच्चों में प्रोसीड करेंगे, इनहेरिट होंगे। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि अधिकांश म्यूटेशन हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, और उससे कोई जेनेटिक डिजॉर्डर उत्पन्न होता है, क्योंकि जो काम पहले हो रहा था वो नहीं हो पाता है या डिफरेंट तरीके से हो पाता है, और पता नहीं नया काम क्या होगा, इसलिए हानि की संभावना ज़्यादा होती है और लाभ की संभावना कम होती है। अब जीन और कोडोन में होने वाले परिवर्तनों को कैसे उत्पत्ति होती है, इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और दूसरा है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का कोई जाना पहचाना कारण नहीं होता है, हम उसे कैसे उत्पन्न हुआ है ये नहीं जानते हैं, तो अनजान कारणों से जब यह उत्पन्न हो तो उसे अपने आप होने वाला यानी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहा जाता है। कई बार केमिकल्स के एटम्स में, खासकर हाइड्रोजन के पोजीशन में परिवर्तन के कारण कुछ दुर्लभ प्रकार के टाउटोमर्स उत्पन्न होते हैं। इन टाउटोमर्स की उत्पत्ति को टाउटोमेरिज्म कहा जाता है। ये रेयर होते हैं, लेकिन अगर रिप्लिकेशन के समय टाउटोमर्स बनते हैं तो ये नॉर्मल बेस पेयरिंग की जगह पर एबनॉर्मल पेयरिंग कर देते हैं, या किसी भी अनजान फिजिकल या केमिकल कंडीशन में परिवर्तन के कारण हो सकता है। कुछ ही समय के लिए होता है, फिर नॉर्मल केमिकल बन जाता है। इसके कारण एडिनाइन और साइटोसाइन का एमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप आयमाइन ग्रुप यानी NH ग्रुप में बदल जाता है, एक हाइड्रोजन दूसरी जगह नाइट्रोजन पर चला जाता है। इसी तरह गुआनाइन और थायमाइन में जो कीटो ग्रुप है, डबल बॉन्ड O है, वह इनॉल यानी OH में बदल जाता है, कहीं दूसरी जगह नाइट्रोजन से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पर चला आता है।
आगे आप फिगर से देखिए, स्ट्रक्चर से देखिए, ऊपर के डायग्राम में डबल बॉन्ड ओ दिखा गया है या ओ एच में बदल गया है, यानी कहीं अन्य जगह से हाइड्रोजन इस पर आ गया, तो इससे कीटो और इनॉल का परिवर्तन हुआ, ओ एच से ऑक्सीजन बनना, नाइट्रोजन पर अगर यह ऑक्सीजन और ओ एच का परिवर्तन हो रहा है तो नाइट्रोसो और ऑक्जिम फॉर्म का निर्माण होता है। इसी तरह एमिनो ग्रुप से आमिनो ग्रुप बना, एक हाइड्रोजन शिफ्ट करके ये दूसरे पोजीशन पर नाइट्रोजन पर चला गया। तो ऐसा परिवर्तन न्यूक्लियोटाइड्स में भी होते हैं और इन परिवर्तनों के कारण बेस पेयरिंग का जो तरीका है, ए के साथ टी का जुटना, सी के साथ जी का जुटना, यह फेल कर जाता है और एक विशेष प्रकार का म्यूटेशन होता है जिसे हम ट्रांजिशन म्यूटेशन देते हैं। देखिए ये एडिनिन की रचना है, यहाँ ये हाइड्रोजन हटकर आ जाएगा इस नाइट्रोजन पर, तो इस तरह से एक एमिनो की जगह पर आमिनो बन गया। नीचे साइटोसिन है, इसका यह हाइड्रोजन अगर इस नाइट्रोजन पर आ जाए तो फिर यह एमीन से आमिनो फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। इसी तरह यह गुआनिन है, गुआनिन में यहाँ ऊपर ऑक्सीजन है, यह हाइड्रोजन उठकर यहाँ चला आता है तो यह हाइड्रोक्सिल में यानी कीटो से इनॉल फॉर्म में, लैक्टेम से लैक्टिम फॉर्म में परिवर्तित हो रहा है। थायमिन में भी इसी तरह हाइड्रोजन अगर शिफ्ट कर जाता है तो पहले यह लैक्टेम या कीटो फॉर्म में था, अब यह इनॉल यानी लैक्टिम फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है। तो ऐसे परिवर्तनों के कारण नॉर्मल बेस पेयरिंग नहीं हो पाता है। आप देखिए इस डायग्राम में नॉर्मल बेस पेयर दिखलाया गया है कि थायमिन जुटता है हमेशा एडिनिन के साथ, अगर थायमिन कीटो से इनॉल हो जाए तो यह एडिनिन के बदले गुआनिन से जुटेगा, अगर एडिनिन अपने अमीनो से आमिनो फॉर्म में बदल जाए तो थायमिन के बदले यह साइटोसिन से जुटेगा। ठीक इसी तरह गुआनिन में यहाँ कीटो फॉर्म है, यह साइटोसिन से जुट रहा है, अगर यह गुआनिन कीटो से इनॉल में बदल जाए तो साइटोसिन के बदले थायमिन से जुटेगा, और इसी तरह अगर साइटोसिन एमिनो फॉर्म से आमिनो फॉर्म में बदल जाए तो गुआनिन के बदले एडिनिन से जुटेगा। अब इसे ऐसे समझिए कि नॉर्मल पेयर है एटी, ए है एमिनो फॉर्म में, अब टॉटोमेरिज्म के कारण ए का आमिनो डिराइवेटिव हो गया, एमाइन से आमाइन बन गया, यह थायमिन से दो के बदले एक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटता है, यानी यह कमजोर बॉन्ड हो गया। अब अगले जनरेशन में यह एडिनिन थायमिन के बदले साइटोसिन से जुट गया, नतीजा क्या हुआ कि अगला जनरेशन और उसके बाद जब सेल डिवीजन होगा, एडिनिन अगर ठीक होकर आमाइन से फिर एमाइन हो जाए तो ए के साथ टी जुटेगा, लेकिन एक बार जो साइटोसाइन आ गया तो साइटोसाइन के साथ अब कौन जुटेगा, तो अब इस साइटोसाइन के साथ यहाँ गुआनाइन जुट जाएगा। तो इस तरह ए टी पेयर की जगह पर जी सी पेयर का सब्स्टिट्यूशन हो गया, इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को ट्रांजिशन कहा जाता है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए थायमिन है कीटो, अब यह कीटो के बदले इनॉल फॉर्म में बदल गया, तो इनॉल फॉर्म में थायमिन एडिनिन के बदले गुआनिन से जुट रहा है, अगले जनरेशन में क्या होगा, यह गुआनिन फिर साइटोसिन से जुटेगा, यानी एटी की जगह पर जीसी पेयर बन जाएगा, यानी एक ट्रांजिशन म्यूटेशन हो जाएगा। अब जो सब्स्टिट्यूशन होता है जिसमें एक बेस की जगह पर दूसरा बेस आ जाता है,
इसके भी दो प्रकार होते हैं। अगर एक प्यूरिन की जगह दूसरा प्यूरिन आ जाए, यानी एक के बदले जी या जी के बदले ई आ जाए, एक पाइरिमिडिन की जगह दूसरा पाइरिमिडिन आ जाए, यानी सी की जगह टी और टी के जगह सी आ जाए, तो इसे ट्रांजिशन म्यूटेशन कहा जाता है। लेकिन इससे डिफरेंट ट्रांसवर्सन है, इसमें प्यूरिन की जगह पाइरिमिडिन आ जाता है, यानी ए और जी की जगह पर सी या टी में से कोई आ जाए, या सी और टी की जगह पर ए या जी इनमें से कोई आ जाए, तो इसे ट्रांसवर्सन कहेंगे। अगले डायग्राम में देखिए, ये ऊपर ए है और जी है, ये दोनों प्यूरिन है, इसका आपस में परिवर्तन हो ट्रांजिशन कहलाया। नीचे देखिए, यहाँ सी है और इधर टी है, ये दोनों पाइरिमिडिन है, इनका आपस में परिवर्तन हो तो इसे ट्रांजिशन कहा जाएगा। लेकिन प्यूरिन के जगह पाइरिमिडिन, यानी ए की जगह पर सी या टी, जी की जगह पर सी या टी, ऐसा कोई आ जाए, प्यूरिन की जगह पाइरिमिडिन या पाइरिमिडिन की जगह प्यूरिन, तो इस तरह के वर्टिकल चेंज को ट्रांसवर्सन नाम दिया गया। ट्रांजिशन इज कॉमन सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। टॉटोमेरिज एंड केमिकल म्यूटाजेंस लाइक नाइट्रस एसिड एंड हाइड्रोक्सिल एमाइन कॉज सच म्यूटेशन। टॉटोमेरिज अपने आप होने वाला परिवर्तन है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहलाएगा। लेकिन अगर सेल के कल्चर मीडियम में नाइट्रस एसिड या हाइड्रोक्सिल एमाइन डाल देते हैं, उसके कारण डी एमाइनेशन या हाइड्रोक्सिलेशन नाम की घटना घटती है, केमिकल नेचर बदल जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसे इंड्यूस्ड म्यूटेशन नाम दिया जाएगा, क्योंकि लेबोरेटरी में इसे क्रिएट किया जा सकता है। बेस एनालॉग के रूप में समरूप रसायन के रूप में 5-ब्रोम्यूरासिल थायमिन की जगह जुड़ता है और 2-अमीनोप्यूरिन एडिनिन की जगह जुड़ता है। ये दोनों केमिकल सामान्य केमिकल की अपेक्षा कुछ ज़्यादा टॉटोमेरिज्म करते हैं, इसलिए इनके कारण भी ट्रांजिशन म्यूटेशन हुआ करता है। लेकिन ट्रांसवर्सन का कोई ज्ञात कारण नहीं है, शायद वह डीएनए के रिप्लिकेशन के समय धोखे से गलत बेस जुड़ जाने के कारण होता है, यानी एरर करेक्शन का मैकेनिज्म फेल कर जाने से होता है। अब मान लिया कि एक बेस परिवर्तित हो जाए, तो कैसा परिवर्तन हो सकता है? तो मैसेंजर आरएनए पढ़ते समय में आपने जेनेटिक कोड्स पढ़ा है, आप देख रहे हैं कि तीसरे अक्षर यानी कोडोन का तीसरा लेटर जो 3' टर्मिनल की ओर है, उसमें परिवर्तन से अक्सर अर्थ नहीं बदलता है। दोनों में कोई प्यूरिन हो सेम अर्थ होता है, दोनों में कोई पाइरिमिडिन हो तब भी वही अर्थ होता है, और कई बार चारों में से कोई भी बेस हो समान अर्थ होता है। सेरिन के एग्जाम्पल में आपने उसे देखा। लेकिन अगर पहला और दूसरा अमीनो एसिड में परिवर्तन हो जाए, पहला और दूसरा कोड में परिवर्तन हो जाता है, अक्षर बदल जाते हैं, तो उससे अर्थ बदल जाया करता है। इस आधार पर म्यूटेशन को सब्स्टिट्यूशन को 3 प्रकार में बांटा गया है। अगर नॉनसेंस कोडोन बनता है, UAA, UAG और UGA, ये 3 कोडोन है नॉनसेंस। अगर नॉर्मल कोडोन की जगह पर ये नॉनसेंस कोडोन बन जाते हैं, तो इनकी जगह पर कोई अमीनो एसिड नहीं जुड़ता है, यानी प्रोटीन के चेन की लंबाई का बढ़ना रुक जाता है, चेन टर्मिनेट कर जाता है। अब पहला और दूसरा अक्षर अगर बदल जाता है, तो जेनेटिक कोड का अर्थ बदल जाता है, एक अलग तरह का अमीनो एसिड आकर जुड़ जाता है,
और कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में, जहां सिर्फ एक अमीनो एसिड के परिवर्तन से सीरियस प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तीसरा म्यूटेशन है साइलेंट म्यूटेशन, अर्थात तीसरा अक्षर बदला, कोड तो बदल गया लेकिन कोड का अर्थ नहीं बदला। तो अर्थ अगर नहीं बदले तो प्रोटीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस ऑर्गेनिज्म के लक्षण और उसकी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए उसे साइलेंट म्यूटेशन नाम दिया जाता है। अब चूंकि प्रत्येक अक्षर को तीन अन्य अक्षर से बदला जा सकता है, ए को सी, जी और टी, इन तीनों में किसी से बदला जा सकता है। इसी तरह दूसरे अक्षर को भी तीन से बदला जा सकता है, तीसरे को भी तीन से बदला जा सकता है। यानी एक जेनेटिक कोड में 9 तरह का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इसलिए 61 मीनिंगफुल कोडोन सार्थक कोडोनों में 61x9 यानी 549 प्रकार के सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हो सकते हैं। अगर हम सभी 64 कोडोन ले लें, तीन निरर्थक कोडोन को शामिल कर लें, तो यह 64x9 यानी 576 प्रकार का सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हो सकता है। अब इस उदाहरण में आप देखिए कि यह है एक नॉर्मल डीएनए पर कोडोन है टीटीसी, तो मैसेंजर आरएनए पर बनेगा एएजी, उसका अर्थ होता है लाइसिन। अब पहला केस है साइलेंट म्यूटेशन का, हमने तीसरा अक्षर बदला तो हो गया, अब मान लिया सी के बदले टी आ गया, तो टीटीटी मैसेंजर आरएनए पर हो जाएगा एएए, अर्थ सेम है लाइसिन, यानी यह साइलेंट म्यूटेशन है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम पहला अक्षर बदल दिए, टी के जगह पर ए आ गया, ट्रांसवर्सन टाइप का यह म्यूटेशन हो गया। तो कोडोन कैसा हो जाएगा, यूएजी, और यह क्या हो गया, एक नॉनसेंस कोडोन बन गया, यानी चेन टर्मिनेट कर जाएगा। तीसरा देखिए, इसमें बीच वाला थायमिन के जगह पर साइटोसिन आया, ट्रांजिशन है, जेनेटिक कोड कैसा हो गया, तो एजीजी, इसका अर्थ है आर्जिनिन, अर्थ बदल गया। अगर हम बीच में टी की जगह पर जी ले आते हैं, यानी ट्रांसवर्सन कराते हैं, तो जेनेटिक कोड हो जाएगा एसीजी और उसका अर्थ हो जाएगा ये थ्रियोनिन। तो इस प्रकार लाइसिन की जगह पर जब थ्रियोनिन या आर्जिनिन जुटेगा तो प्रोटीन का कैरेक्टर बदल सकता है, उसका एक बड़ा प्रभाव लक्षणों पर पड़ सकता है। अब अगर जेनेटिक कोड में बीच में किसी चीज़ को डाल दिया जाए, कोई एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया जाए, तो इंसर्शन कहलाएगा, और किसी एक न्यूक्लियोटाइड को हटा दिया जाए तो डेलीशन कहलाएगा। अगर हम कोई बेस जोड़ देते हैं, इंसर्शन करते हैं, तो उस जगह से लेके आगे तक का सारा कोडोन बाईं ओर शिफ्ट कर जाएगा, और अगर हम दाईं ओर शिफ्ट कर जाएगा, यानी 3' के तरफ उसका एक्सटेंशन हो जाएगा, और अगर हम डेलीशन करते हैं, हटा देते हैं, तो बाईं ओर यानी 5' टर्मिनल की ओर शिफ्ट कर जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो जिस जगह पर एडिशन या डेलीशन हुआ वह कोडोन तो बदला ही, उसके आगे का भी सारा कोडोन बदल जाएगा, तो एक अनजान सा एक नया प्रोटीन बन के आ जाएगा, और एनिमल्स में अक्सर इस तरह का प्रोटीन एंटीजेनिक होता है, खतरनाक होता है। आप उदाहरण से यहाँ समझिए कि कोडोन था सीसीटी एटीजी टीटीटी डीएनए पर, अब दोनों पहला कोडोन के दोनों सी के बीच में आपने ए डाल दिया, तो अब परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, सी ए सी टी ए टी जी टी टी, दाहिनी ओर यह फिसलता चला जाएगा, यानी फ्रेम शिफ्ट होता चला जाएगा। अब ये नए सारे के सारे कोडोन नए हो गए, इसलिए सारे के सारे अमीनो एसिड भी एकदम भिन्न प्रकार के जुटेंगे, जो एक खतरनाक माना जाएगा।
तो इस तरह का डेलीशन या इंसर्शन के कारण फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से सारे के सारे कोडोन बदल जाते हैं, अमीनो एसिड की सजावट बदल जाती है, पुराना काम तो अब नहीं ही होगा, यानी एक काम का लॉस होना ही होना है, और नया प्रोटीन पता नहीं क्या करेगा, एकदम अनजान कुछ करेगा, तो इससे हानि की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अब इस तरह का डेलीशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण, प्रोफ्लेविन और एक्रिडिन जैसे रंगों के कारण अक्सर हुआ करता है। इनके अलावे अगर हम एक्सरे और अल्फा बीटा गामा रेडिएशन की बात करें तो वे आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, ज़्यादा खतरनाक हैं, वो कहीं भी न्यूक्लियोटाइड को तोड़ सकते हैं और न्यूक्लियोटाइड के क्रोमोसोम को भी यह कई टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, इसलिए ये आयोनाइजिंग रेडिएशन अधिक पावरफुल म्यूटाजन माने जाते हैं। कई अन्य केमिकल्स जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल एमाइन, अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं जैसे कि इथाइल इथेन सल्फोनेट, इथाइल मीथेन सल्फोनेट और मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, ये भी पावरफुल म्यूटाजन माने जाते हैं। तो जिन रसायनों के कारण या जिन फिजिकल फैक्टर्स के कारण म्यूटेशन होता है उसे म्यूटाजन कहते हैं और उनकी क्रियाविधि को म्यूटाजिनेसिस कहते हैं। इस उदाहरण में आप देखिए, यहाँ पर नाइट्रस एसिड के कारण यह अमीनो ग्रुप हट गया, डीएमाइनेशन हो गया। अब यह डीएमाइनेटेड गुआनिन दूसरे गुआनिन मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर डाइमर बना सकता है। अक्सर एडिनाइन से हाइपोक्सैंथिन बनते हैं, एडिनाइन जो थायमाइन से पेयर करता है उसके बदले यह हाइपोक्सैंथिन साइटोसाइन से पेयर कर जाता है, यानी कि थायमाइन की जगह पर साइटोसिन का रिप्लेसमेंट होता है। इसी तरह साइटोसिन में डीएमाइनेशन हो जाने से यूरासिल बनता है। अब नॉर्मल साइटोसिन गुआनिन से जुड़ता है लेकिन यूरासिल एडिनिन से जुड़ता है, तो HNO2 के कारण, नाइट्रस एसिड के कारण अगर डीएमाइनेशन होता है तो सब्स्टिट्यूशन प्रकार का म्यूटेशन होता है। यह हाइड्रोक्सिल एमाइन है, इसके प्रभाव के कारण पॉलीमरेज एंजाइम की क्रिया रुक सकती है, इस पर एक डिफरेंट कोडोन का निर्माण हो सकता है, एमिनो आइसोमर या आमिनो आइसोमर बन सकता है। यानी कि यह जो केमिकल आप देख रहे हैं साइटोसाइन, अगर उसका हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है तो साइटोसाइन की जगह पर थायमिन का रिप्लेसमेंट पॉसिबल होता है। तो इस तरह आपने म्यूटेशन का अर्थ समझा, म्यूटेशन किस टिश्यू में होता है, वह हेरिटेबल है या इनहेरिटेबल है, नॉन हेरिटेबल है, उसकी उत्पत्ति अपने आप कैसे हो सकती है या केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स के कारण कैसे होती है, आपने इन सभी बातों का अध्ययन किया। और अब मैं समझता हूँ कि अगर आप एक बार टेक्स्ट बुक देख लें और फिर इस वीडियो को देख लें तो सभी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।